हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ डिपेंड थी, वो अब भी फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो हम लोग वही देखेंगे, पूरा डिसीजन स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा मोटा निर्णय, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन आ गया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो भी एग्ज़ाम है वो होके ही रहेंगे, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूजीसी गाइडलाइन के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे। परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे। परीक्षा संदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामार्फत केले आहे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपका जो एग्ज़ाम का डेट हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टेट में 30 सितंबर एग्ज़ाम का डेट दिया है, तो उसे और भी पोस्टपोन किया जा सकता है। ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, ऐसा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे, जो की आज तक का सबसे बड़ा डिसीजन दिया है। परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे। तो जैसे कि मैंने बोला, उसका डेट जो है वो चेंज हो सकता है। परीक्षा संदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामार्फत केले आहे। तो यूजीसी को फाइनल एक डिसीजन दे दिया है कि आप एग्ज़ाम ले लो। यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाइडलाइननुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं, ठीक है। तो 30 सप्टेंबर यह डेडलाइन दिया गया था एग्ज़ाम लेने का, लेकिन अभी बोला गया है कि ही तारीख राज्य सरकार पुढ़े ढकलू शकते। जो स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो 30 सप्टेंबर से भी आगे जाके एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेऊ न शकणाऱ्या राज्यांनी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी यूजीसीशी संपर्क करावा असं कोर्टाने म्हटलं आहे, ठीक आहे। तो जैसे की महाराष्ट्र में तो हालत नहीं है एग्ज़ाम लेने का, तो स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी को कॉन्टॅक्ट कर सकती है। एखाद्या राज्याला जर परीक्षा घ्यायची नसेल तर त्यांनी यूजीसीची चर्चा करावी असंही कोर्टाने म्हटलं आहे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी भी स्टेट को एग्ज़ाम नहीं लेना है तो वो यूजीसी के साथ बात कर सकता है, एग्ज़ाम अपना कैंसिल करवा सकता है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी जो वर्डिक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, और अगर एक स्टेट में एग्ज़ाम होगा तो वो लोग सभी स्टेट में एग्ज़ाम करेंगे। तो बेटर ये ही रहेगा कि आप अभी से अपना, अगर जो भी स्टडी मटेरियल है उसे लो, उसे कलेक्ट करो, अपना जो भी पढ़ाई है वो शुरू आप कर दो, ठीक है। आगे का जो भी डिसीजन आएगा वो हम लोग देख लेंगे, आपको मैं जल्दी से जल्दी अपडेट करता रहूँगा। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, एग्ज़ाम आपका होके रहेगा, राज्य सरकार की भूमिका का है। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना, तो यहाँ पे क्या उन्होंने क्या बोला था, राज्यातील 14 सार्वजनिक विद्यापीठात आता 7,74,516 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। तो ऑलमोस्ट 14 युनिव्हर्सिटीज है, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट है। अब व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणारे 2 लाख, मतलब मॅनेजमेंट कोर्सेस में लगभग 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट है। राज्य सरकारने पदवीच्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत असं म्हटलंय, पण यूजीसी परीक्षांवर ठाम होती, ठीक है। जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल कर दिया था, बट यूजीसी डिपेंड थे कि यूजीसी बोला कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। 30 सप्टेंबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात अशा मार्गदर्शक सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत। त्याविरोधात महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझो, अगर आपसे कोई भी पेटिशन के नाम पे पैसे वगैरह ले रहा है, तो उन्होंने कोई याचिका दाखिल नहीं की, याचिका दाखिल की है अपने गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दो, आपके साथ कौन सच बोल रहा है, कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है। याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली। आज अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी यांनी हा फैसला सुनावला। तो ये जो अपने जजेस है उन्होंने ये जो फाइनल डिसीजन ये बोल दिया है, ठीक है। तो
तो गाइज जो फाइनल डिसीजन है अगर हम लोग सब वीडियो को समअप करें तो वही है कि आपका एग्ज़ाम जो भी है वो होके रहेगा, वो भले अभी ना हो लेकिन बाद में तो वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप पढ़ाई अपना है वो कंटिन्यूस रखो। इस वीडियो में इतना ही, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो।